इन पक्षियों से इसलिए नफरत करता है सांप। भाई जंगल में नागराजों को अपने होने पर काफी गुमान होता है। उनकी नजर में उनसे बेहतर कोई नहीं होता, क्योंकि वो आसानी से किसी भी एनिमल, यहाँ तक के इंसानों को भी अपने जहर का शिकार बना लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनसे नागराज कड़ी नफरत करते हैं। इन्हीं में से एक है सेक्रेटरी बर्ड, जो किक मार मार के सांप का भरता बना देती है, फिर नूडल्स की तरह उसे निगल जाती है। सेक्रेटरी बर्ड की तरह कई और भी बर्ड्स हैं जो सांप को बुरी तरह से मात देती हैं, इसलिए सांप की जानी दुश्मन है। लेकिन कौन है वो, आइए आपको बताते हैं। नंबर वन, श्राइक बर्ड। दोस्तों सूरत और हाइट पर मत जाइएगा, छोटी सी क्यूट से दिखने वाली ये बर्ड कितनी खतरनाक है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके शिकार करने का तरीका दुनिया में मौजूद बाकी सभी पक्षियों, यहाँ तक कि खतरनाक जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसे जब भी अपना शिकार जैसे कि सांप, मेंढक या कोई और नजर आता है, ये उसे चोंच में दबाती है और उसे लेकर आसमान में फर हो जाती है। आपको सुनने में हैरानी होगी, लेकिन ये अपने शिकार को डायरेक्ट खाती नहीं, बल्कि उसे जिंदा ही कांटों में फंसा देती है। और जब इसे भूख लगती है तो उसे नोच नोच कर खाती है। कभी कभी तो कांटों में फंसा इसका शिकार 2 से 3 दिनों तक तड़पता ही रहता है। इसके शिकार करने के इस अंदाज की वजह से इसे सीरियल किलर ऑफ द जंगल भी कहा जाता है। तड़प तड़प कर कांटों के बीच जिंदगी ना जाए, इसलिए सांप भी इस छोटी सी चिड़िया से 2 हाथ की दूरी बनाकर रखता है। नंबर 2, लून। 80 सेंटीमीटर की औसत लंबाई वाला ये पक्षी ज्यादातर समय पानी में रहना पसंद करता है। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये सबसे खूबसूरत जलीय पक्षी माना जाता है, जिसका वजन 2 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम तक हो सकता है। आमतौर पर यह पक्षी काफी शांत रहता है और ये मछली, मेंढक और कुछ पानी में रहने वाले छोटे मोटे जीवों को खाना पसंद करता है। यूं तो सांप भी इसका फेवरेट भोजन है। हालांकि ये पक्षी ईगल से ज्यादा ताकतवर नहीं होता, लेकिन आप यकीन करेंगे कि एक बार लोन ने ईगल को मार गिराया था। यहाँ देखिए, दरअसल यहाँ ईगल लोन के बच्चे पर अटैक करने के लिए आ रही थी। लोन ने जैसे ही ये देखा, उसका अग्रसिव अवतार देखने को मिला। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में लोन की जीत हुई। ये काफी हैरान करने वाला क्लब था, ईगल को एक लोन ने हरा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। नंबर 2, लेमर गाया या वेयर्ड वल्चर। दोस्तों वेयर्ड वल्चर को चलता फिरता मौत का फरमान माना जाता है, क्योंकि ये वो खुखार दरिंदा शिकारी है जो अपने शिकार को आखिरी सांस लेने का भी मौका नहीं देता। यूं तो ये पक्षी गिद्धों की प्रजाति से ताल्लुक रखता है, लेकिन ये दिखने में आम गिद्धों के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत है। चोंच के नीचे बियर्ड होने की वजह से इस गिद्ध को बियर्ड वल्चर भी कहा जाता है। दोस्तों बियर्ड वल्चर को पुरानी दुनिया का गिद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये गिद्ध दूसरे गिद्धों की तरह मरे हुए जानवरों से ज्यादा उनकी हड्डियों को खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने खाने में 70 से 80% हड्डियों को शामिल करता है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है और ये जब भी अपने पूरे पंखों को फैलाकर उड़ान भरता है तो देखने में किसी दानव से कम नहीं लगता। जबकि अगर ये अपने पंखों को फैलाकर जमीन पर चले तो ये किसी खौफनाक दरिंदे जैसा दिखाई देता है। नंबर 4, कारा कारा बर्ड। कारा कारा बर्ड भी अपनी खूबियों और अजब गजब शिकार के अंदाज के लिए जानी जाती है। इस पक्षी को आप थोड़ा आलसी टाइप पक्षी कह सकते हैं, क्योंकि ये शिकार करने से ज्यादा दूसरों के शिकार पर हाथ मारने में विश्वास रखता है। इस पक्षी की एक और खासियत है कि ये अपने पंखों का बहुत कम इस्तेमाल करता है। शिकार करने की बारी हो तब भी ये अपने पैरों का ज्यादा इस्तेमाल करता है। कई कई दिनों तक ये पक्षी अपनी लोकेशन नहीं बदलता और एक ही जगह पर टिका रहता है, लेकिन जब पेट की आवाज आती है तब इसे ना चाहते हुए भी अपनी जगह बदलनी पड़ती है। नंबर 5, हैरिस हॉक। बाजों की सबसे खूंखार और एक खास प्रजाति हैरिस हॉक को उनके निराले अंदाज के लिए जाना जाता है। हैरिस हॉक बाजों में एकमात्र ऐसा पक्षी है जो झुंड में रहकर शिकार को तलाशता है, दबोचता है और पेट पूजा करता है। ये लोग डे ब्रेक भी लेते हैं। खाने के टाइम पर हैरिस हॉक प्रजाति अपने आप को ग्रुप्स में बांटना पसंद करती है। अपने इलाके में ग्रुप्स खाने की तलाश करते हैं, खाना मिलने पर दूसरे ग्रुप को इत्तला करते हैं और फिर सब मिलकर पेट पूजा करते हैं। ये दिखने में जितने शांत और खूबसूरत हैं, उतना ही खतरनाक है इनका अवतार, लेकिन इन सबसे कई गुना ज्यादा है इनकी यूनिटी। नंबर 6, ड्रोंगो ड्रोगो।
दोस्तों ड्रोंगोस के बारे में जानने के बाद आप काफी अलग सा फील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पक्षी है जो कई स्पीसीज की आवाज में मेरा मतलब मिमिक्री कर सकता है। आकार में छोटा होने के बाद भी ये पक्षी किसी पर भी हमला कर देते हैं। आमतौर पर इन्हें कीड़े मकोड़े खाना पसंद है। इनकी आवाज बिल्कुल सी से मिलती जुलती होती है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये छोटा सा पक्षी लोमड़ी और सियार पर हमला करता हुआ भी देखा गया है। ये अपने आप को हमेशा एक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं, और चाहे जैसा भी पक्षी या एनिमल हो, उसके मिमिक्री करके अपने आप को एंटरटेन करते हैं। अमेजिंग है ना? आप भी हैप्पीनेस के लिए ये ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो वीडियो पसंद आ रही है आपको, फिर लाइक करना क्यों भूल गए आप? अब तो मैंने याद दिला दिया, आप कर दीजिए। नंबर 7, ग्रीन हेरोन्स। पीली आंख और चटकीले कलर वाले इस पक्षी को देखकर इसके आक्रामक अवतार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये इतना खतरनाक पक्षी होता है कि अपने शिकार पर घात लगाकर दबे पांव उसे दबोचता है। फिर मिनटों में उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। नागराजा ने इसके शिकार का अंदाज कई बार देखा है, तो कई बार झेला भी है। इसलिए नागराज इस पक्षी से दूरी बनाकर चलना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी गर्दन दिखने में ही छोटी होती है, लेकिन जब शिकार की बात आती है तो इनकी यही गर्दन सांप से भी लंबी हो जाती है। और अगर शिकार की बात आ जाए तो इनकी यही गर्दन सबसे लचीली हो जाती है। आप खुद ही देख लीजिए, गर्दन है या स्प्रिंग। नंबर 8, ब्लैक काइट्स या ब्लैक हॉक्स। ब्लैक काइट्स या ब्लैक हॉक्स या फायर हॉक्स, इसे कई नामों से जाना जाता है। बाजों की ये प्रजाति सबसे अलग होती है। ये बाकी हॉक्स से दूर अपना खाना आग में ढूंढती है। अजीब है ना, लेकिन सच। अब आप ही बताइए, अगर कहीं भयंकर आग लगी हो तो वहाँ पक्षी ठहरना चाहेंगे? नहीं ना, इवन कोई एनिमल भी वहाँ नहीं रुकना चाहेगा। लेकिन ब्लैक हॉक ऐसा पक्षी है जो आग लगते ही पेट पूजा करने पहुँच जाते हैं और उसी आग में से अपने लिए खाने तलाशते हैं। इस हॉक को ही देख लीजिए, इसके हाथ जलती हुई लकड़ी है। जब इस लकड़ी की जरूरत नहीं होगी तो ये इसे नीचे फेंक देगा, जिससे कहीं की आग कहीं पहुंच जाएगी। मतलब अगर घास का मैदान हुआ तो यहाँ भी आग लगने के चांसेस हो गए ना, इसलिए इसे फायर हॉक के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, किया पैरट्स। दोस्तों आज तक रंग बिरंगे तोते आपने देखे होंगे जो इंसानों की आवाज निकालते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ एक बेरंग तोते से। इसका नाम है किया पैरट्स, जो दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते, साथ ही ये काफी खतरनाक भी होते हैं। इन्हें शिप किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शिप्स को खाना पसंद करते हैं। इसके लिए ये शिप की पीठ पर बैठकर उसे पीछे से नोच कर खाते हैं। और जब शिप अपने आप को बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है तो ये अपनी स्पीड को दुगुना कर देते हैं, जो कि काफी दर्दनाक होता है। नंबर 10, लाफिंग गोल्स। नाम से तो लगता है कि ये पक्षी काफी खुशनुमा होगा, लेकिन ये खुशनुमा से ज्यादा सुस्त पक्षी है जो शिकार करता नहीं है, लेकिन खाना चुराने में एक्सपर्ट है। फिर चाहे वो खाना जानवरों से चुराना हो या फिर इंसानों से। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पक्षी जिनसे सांप की भी फटती है। रीजन है इनका अलग और खूंखार अवतार। वैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए। दोस्तों आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।